हेलो नमस्कार दोस्तों, सपोज कीजिए कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड या क्रश आपसे अचानक से बोल दे कि मुझे तो ऐसी मूवीज पसंद है जिसमें ढेर सारा ड्रामा हो, लेकिन क्या तुम्हें पसंद है, तो तुम जाहिर है बोल दोगे हाँ। फिर वो आपसे पूछेगी कौन कौन सी मूवीज पसंद है तुम्हें, तो आपको बताना है ये मूवीज जो कि ड्रामा से भरपूर है। तो नंबर वन पे है द फादर। ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी। एंथनी हॉपकिंस का अनुभव और उनका अभिनय शानदार है। ये फिल्म आपको एक ओल्ड मैन के साथ उनकी डिमेंशिया की जर्नी पर ले जाएगी। नंबर टू पे है द प्रॉमिसिंग यंग वुमेन। इसमें जो कैरेक्टर है उसकी तो जबरदस्त, आप एक्टिंग देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे पूरी मूवी देखने के लिए। एक ऐसी लड़की के साथ उसकी जर्नी पर है जो अपने पास्ट की ट्रेजेडी के चलते सोसाइटी के जेंडर स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करती है। वाकई ये खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, देखते बनता है। और अगर आपकी गर्लफ्रेंड एक वुमेन ओरिएंटेड मूवी देखना चाहती है तो इससे बेहतर कोई मूवी हो ही नहीं सकती। नंबर थ्री पे है मिनारी। ये फिल्म 2020 को रिलीज हुई थी और एक कोरियन अमेरिकन फैमिली की है जिसमें अमेरिका के एक फार्म पर सेटल होने पर बेस्ड है। फिल्म में थीम्स लाइक लव है, फैमिली है, हार्डवर्क है, जिसमें आपको ये दिखाया जाएगा कि लाइफ को कैसे जीना है। नंबर फोर पे है द साउंड ऑफ मेटल। रिज़ अहमद के जो अभिनय से भरपूर ये एक ड्रमर की साथ है, उनके सारे अप्स एंड डाउन्स हैं जिनमें उनकी कैसे जर्नी को उन्होंने दिखाया है, कैसे जिया है, हियरिंग लॉस को जिया है, हियरिंग लॉस के बारे में उन्होंने क्या सीखा है ये बताया गया है। दैट इज़ रियली वेरी अमेजिंग नवोमी सेट। नंबर फाइव पे है नोमैड लैंड। फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड का अभिनय भरपूर, मतलब ज़बरदस्त। वुमेन, एक ऐसी वुमेन के साथ उसकी जर्नी पर है जो रिटायरमेंट के बाद रोड पर जाकर एक नोमैडिक लाइफस्टाइल को फॉलो करती है। काफ़ी सर्कमस्टेंसेस से भरपूर है ये मूवी, काफ़ी मज़ा आया था मुझे तो ज़रूर देखिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये मूवी देख चुके हैं आप तो कोई और मूवी सजेस्ट कर सकते हैं तो नीचे कॉमेंट बॉक्स खाली पड़ा उसमें आप बोल सकते हैं। और आपका फीडबैक हमें इंस्पायर करता है और हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहेंगे। तब तक ले जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।